नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दामे और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप स्केच प्लेन बदल सकते हैं। यानी कि अगर आपने इस प्लेन पर गलती से कुछ स्केच कर दिया और वो आपको इस प्लेन पर नहीं करना था, वो आपको इस प्लेन पर करना था, तो वो इस स्केच को इस प्लेन पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक स्केच बना लेता हूँ और फिर मैं उसको आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। इसको मैं एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ यहाँ पर रोल और ओके। अभी मुझे इधर से ये कट नहीं करना था, मुझे करना था कि ये इस प्लेन से इधर की तरफ आर पार कट जाए। तो क्या करना है कि यहाँ पे एक्सट्रूड कट लिखा हुआ है, इस पर खोलेंगे तो नीचे स्केच है। स्केच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ये विंडो खुल के आ रही है। तो यहाँ पे आ रहा है एडिट स्केच प्लेन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये फेस जो दिखा रखा है ये वाला, इस फेस को चेंज कर देंगे। अब ये वाला फेस है वो, और ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो स्केच में थोड़ी सी दिक्कतें हुई है या फिर एक्सट्रूड कट की डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। तो पहले डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, एडिट। तो डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इस डायरेक्शन में नहीं। इसको पलटी मार देंगे यहाँ से तो उस डायरेक्शन में चला गया। तो आपका एक्सट्रूड कट तो हो गया, लेकिन स्केच में भी अभी थोड़ा सा एरर है, तो उसको भी एडिट कर सकते हैं, एडिट। तो आप देखेंगे स्केच के जो पॉइंट है ऊपर, आपको थोड़े से ग्रे टाइप के से नज़र आ रहे हैं। तो जिस भी जगह पर एरर होगा वो ग्रे हो जाएगा हल्का सा। तो हमें उस स्केच के उस पॉइंट पर जाना है और ग्रे कंस्टेंट को डिलीट मार देना है, या इन रिलेशंस को डिलीट करके नए रिलेशन जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो स्केच वापस से ठीक हो गया और स्केच से बाहर निकलेंगे, सब कुछ ओके हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप यहाँ से कुछ नया सीखे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इन सारी चीज़ों को सीख पाएँ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।